नमस्कार इंडिया, आई होप एंड आई नो कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी एंड सुरक्षित होंगे। और गाइस पता है सबको अच्छा होना चाहिए भाई। बुरे सिचुएशन में कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटे के लिए होता है या लगभग ज़्यादा दिनों के लिए, बट यू नो हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी सिचुएशन, पढ़ाई भी बहुत बड़ी सिचुएशन है। एंड लाइफ में आजकल पता नहीं कौन कौन सा सिचुएशन मुझे देखने के लिए मिल रहा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड मैं लाइफ से यही चाहता हूँ कि मैं ऐसे सिचुएशन जो मैंने सोचा नहीं है इन गुड वे वाइज, ओके गाइज, नॉट अ बैड वे, तो वो मुझे देखने को मिले। एंड आई होप नहीं, मुझे तो यकीन है पूरा कि मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त चौधरी ना करते हुए थंबनेल देखो। ऑफकोर्स पता नहीं मेरे फ्रैंकलिन की दुकान ऑफकोर्स उसका दिमाग तो नहीं है, तो कौन से दुकान से दिमाग खरीद के लाता है और उसने ऑफकोर्स हॉस्पिटल बना लिया अपने घर को तोड़ ताड़ के। वैसे भी इन रियल लाइफ मेरे घर में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, बट अब ठीक हो गई थी। फिर उनको कल रात को दस्त लग गया, ऑफकोर्स बाथरूम आना जाना, एंड उसके बाद पैर में दर्द होने लग गया, चला भी नहीं जा रहा था, मतलब यहाँ से आने चला जा रहा है। वो ठीक है नॉर्मली। मेरे भाई को कम से कम एक हफ्ता मान लो बुखार है भाई, अभी दो दिन से जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ है। भाई घर में ना किसी को कुछ भी हो जाता है ना तो मुझे टेंशन होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे होता है, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, सारी फैमिली को टेंशन हो जाता है। एंड मेरे भाई को जो मेरे से एक्चुअली 2 साल छोटा है उसको भी खांसी जुकाम हो रखा है एक हफ्ते से और अभी तक हो रखा है। एंड मी तो मेरी आवाज़ सुन के ऐसा सुनाई दे रहा है कि मुझे क्या हुआ है। ऑफकोर्स मुझे भी खांसी जुकाम हुआ है, नॉट अ खांसी जुकाम गाइज, खांसी जुकाम में पता नहीं आँख में से आंसू क्यों आने लग जाते हैं, आई डोंट नो। तो ज़्यादा बुक चोरी कर लिया मैंने गाइज, तो मेक श्योर कि तुमने थंबनेल देखा होगा, तो इसलिए हमारे उपसी हरियन फ्रैंकलिन ने सोचा कि चलो हॉस्पिटल बनाते हैं, इनकी फैमिली के काम आएगा, सब वहीं पे एडमिट होंगे या वहीं से दवाई लेके जाएंगे। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ तो अच्छी बात है। एंड मेक श्योर कि हम लोगों का ऐसा प्यार बरकरार रहना चाहिए, और तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो ज़्यादा वक्त चोरी ना करते, वीडियो तो कब की स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज क्या हुआ ना कि यू नो तुम्हें पता है कि मैं सुबह सुबह डांट खा गया, नहीं पता मैं अभी बता रहा हूँ क्या हुआ ना कि मैं 6:30 बजे तक आराम से सो रहा था, एंड मुझे 6:30 बजे के बाद उठकर मुझे कपड़े वपड़े पहन के ठूस के स्कूल जाना था। तो ऐसे पापा ने उठ के बोला कि जाटा सान दे, एंड पापा सोते सोते बोले, एंड मैंने सीरियसली नहीं लिया। फिर पापा से गुस्से से उठ रहे हैं कि जल्दी उठ के जा रहा है, बस सुबह उठ के स्कूल चले जा रहे हैं, कपड़े पहन के और कुछ काम धंधा नहीं है। मेरे को गुस्सा आ गया, मैं गया मम्मी से बोला मैंने आटा दो, मम्मी निकाल ही देते। एक्चुअली मम्मी के पैर और थोड़ा दस्त था ना, तो अभी वो सुबह सुबह भी था, तो फिर मैंने गुस्से में बोला कि आटा निकाल रही थी, मैंने लेके सानना, और मैंने सुबह सोच लिया कि मैं लंच लेके नहीं जाऊँगा। एंड ये होता है मेरे साथ। फिर ना मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने बोला कि खुद इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है मम्मी की, तो खुद ही आके हेल्प करा देते। बट इन वे जब मैंने देखा कि मैं आटा सानने के बाद पापा वॉशरूम गए थे, उधर से आए, फिर पापा ने आलू का पराठा बनाया और मम्मी का थोड़ा पैर वैर दर्द था ना, तो मम्मी बैठी हुई थी ऐसा, ओके, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ ये मेरी मिस्टेक था, पापा आगे हेल्प करने वाले थे बट स्टार्टिंग मेरे से हुई थी, ओके हुआ था मतलब। तो एक्चुअली फिर मैंने मैंने डिसीजन लिया था कि आई एम नॉट लंच ले जाएंगे माई स्कूल, बट मुझे याद है कि मेरे भुक्कड़ दोस्तों का क्या हाल है, हम जितना खाना लेकर आते हैं उतना कम पड़ जाते हैं, तो मुझे अपना लेकर जाना पड़ेगा पेट पालने के लिए खाना। तो इनडायरेक्टली मैंने 2 पराठे लिए थे, आलू के पराठे, एंड मैं अचार भी लेता, अचार अच्छा लगता है, तो मैंने ले नेम वाला था, बट जल्दी जल्दी में मैंने लिया नहीं और मैंने ऐसे लंच पर बैठ करके भाग गया। फिर मेरा सुबह दोस्त वेट कर रहा था, एक्चुअली उसने 2 मिनट अभी वेट किया था आज। उसके बाद हम बकचोदी करते करते स्कूल पहुंच गए, स्कूल पहुंचने के बाद मैं गए, एंड आज हमारा अनारदाना नहीं आया था। एक्चुअली क्यों नहीं आया था, बिकॉज वो गया था अक्षरधाम टेम्पल घूमने, और उसने ब्लॉग भी बना रखे, यूट्यूब चैनल भी है उसका, न्यू मतलब पुराना भी था बट अब उसने न्यू बनाया। तो अभी गया था संडे को अक्षरधाम टेम्पल घूमने, तो ब्लॉग बनाया, अच्छा ब्लॉग था गाइस, उसका एक्सप्रेशन वाओ लिटरली भाई, ओके। तो वो आज नहीं आया था, तो हम लोग थे, तो बात है भाई मेरे पता नहीं वही एस को क्या हो गया था, एस मतलब दो एस है, तो वो दोनों आपस में लड़ लगे पड़े थे। सुबह से मेरे को गुस्सा आ रहा था, ऐसी कौन सी बात करी जो सुबह से छुट्टी हो गई वो भी तब भी ख़त्म नहीं हुआ, रास्ते में खड़े थे दोस्तों के लिए तब भी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने बोला अच्छी बात है, फिर मैं टी से और ए से बात करने में मुखचोदी करने में लग गया, फिर हम बल आज ठीक ही ठाक किया था, कोई पढ़ाई नहीं हुआ। एंड यू नो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि मेरे ईको में 20 एंड हाफ यानी 21 आई एम। तो मैम जिनको नहीं मतलब जिनके कम नंबर आए थे उनको डांट नहीं दी थी, उनको समझा देती थी, तो मेरा जो फ्रेंड था उसने मैम उसको भी समझा दो, तो मैम ने मेरे पास है नंबर पूछा, मैंने बता दिया। फिर मैम ने बोला देखो बेटा तुम्हारे मतलब 7 नंबर तुम्हें चाहिए इस टर्म में पास होने के लिए, जो कि ऑफकोर्स नहीं मिलेंगे, एंड
पिछले फाइनल में तुम्हें 27 तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें जब तुम्हें इसमें 7 चाहिए पास होने के लिए, तो ये 7 भी तुम्हें लाना पड़ेगा। तो इतने प्यार से समझाया तो मैंने दिल पे ना लेके दिल पे ही लिया। फिर मैंने बोला ओके मैम, फिर आई नो कि हेल्प मेहनत तो करनी चाहिए, और हमारे सब टीचर यही चाहते हैं कि उनके साथ स्टूडेंट पास हो जाए, अच्छे से लाइफ सेटल हो जाए। यू नो हम टीचर को कितना भी गलत समझ लें, वो टीचर टीचर ही होती है। ओके तो ये सब हुआ मेरे साथ। ओके तो फाइनली क्या हुआ ना कि पता नहीं उसको क्या शक होता रहता है मेरे पे। मैं तुम्हें हर बार समझाता हूँ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बंदी है। ऑफकोर्स लड़का ही दोस्त है वो मेरा, वो बेस्ट एस वाला। मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदी है, मुझे तो मन मैं क्या ही बोलूँ मैं। और मैंने मेरे को हमेशा शक करती रहता है, और हमेशा बोलता रहता है कि तुमसे कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है ये वो फलाना ढिकाना। मैंने बोला ऐसा क्या छुपा रहा हूँ तू ही बता दे, बट वो ट्रस्ट नहीं करते हो तो मैं नहीं बताऊँगा, तुझे खुद ढूंढना तो ढूंढ, मत ढूंढ। फिर मैंने दोस्त को सलाह दिया कि देख, मैंने उसको बताया कि देख हम दोनों में लड़ाई होती है तो मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, बहुत ज़्यादा। लिटरली तुम्हें पता नहीं होगा बट वो बहुत ज़्यादा फिक्र करता है भाई। और तुम्हारे ऐसे इंसान की लाइफ में मतलब बहुत कम होते हैं, फैमिली भाई बहन के अलावा या दोस्तों में भी बहुत कम होते हैं कि जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही फिक्र करते हैं। तो उनको पता है, मैं समय हमेशा बोलना चाहूँगा कि उनको लाइफ में कभी मत खोना गाइस, इनडायरेक्टली कभी ऐसी सिचुएशन आनी मत देना कि खोना उनको। तो ये अच्छी बात मैं बोलना चाहूँगा और मैं फॉलो करूँगा और मैं करता भी हूँ गाइस, क्योंकि मैं ही हमेशा उसको एक सुअर इंसान को मनाता हूँ। मैं क्या ही बोल सकता हूँ, अगर उसको सामने गाली दूंगा, धमकी देता रहता है मेरे को बार बार कि ऐसा बोलेगा ना तो मैं बात करना बंद कर दूँगा, ऐसा बोलेगा ना तो बात कर रहा है। मैंने बोल दिया हमेशा तो यही बोलते हैं, तो उसने बोला बात करने कौन आता है। हाँ मैंने बोला ऑफकोर्स मैं ही आता हूँ, बट क्या करूँ मेरे को नहीं रहा जाता, मैं बात करने आ जाता हूँ। तो ऐसी बकचोदी हुई थी एंड हम इधर ही उधर बात करते रहते हैं। फिर फाइनली मैं घर आया, तो घर आने के बाद थोड़ा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरे पास रील्स एक्शन ऐसे ऐसे आए रहते, सैड सैड रोमांटिक रोमांटिक ब्रेकआउट्स रील्स मैं देख के मेरा नहीं, मैं कभी तो रिलेशनशिप में था ही नहीं, तो मेरा दिल क्यों टूट रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड पता नहीं सुअर से मुझे खांसी जुकाम हो रखा है भाई साहब, खांसी जुकाम ठीक है चलो मान लिया, ये दोनों होते हैं ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। पता क्यों, जुकाम नहीं होना चाहिए, मुझे खांसी हो जाए भले। एक्चुअली इन दोनों को जब कॉम्बो होता है ना, जब लोग सुअर साथ में आ जाते हैं खांसी जुकाम, तो मेरे आँखों में से अपने आप आंसू आने लग जाता है। पता नहीं एकदम खांसी एकदम तेज से आएगा तो आंसू, जुकाम आएगा तो आंसू। भाई क्या है सुअर, हर टाइम आंसू आंसू बहते रहोगे और नाक से अलग बहन लग जाते हैं, और मेरी आवाज़ में तो तुम्हें वहाँ बहन दिख ही रहा होगा क्या कर दिया, बट आई एम स्ट्रॉन्ग। और मैं आज स्कूल में बकचोदी करके आई हूँ कि मेरी फैमिली में मुझे ना दोस्तों से मुझे कि मेरे को लिटरली बुखार नहीं आता, मेरी फैमिली में सबको आ जाता है बट मुझे बहुत 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 कम बुखार आता है, क्योंकि मैं बहुत प्यार से मांगा हुआ वरदान हुआ। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि मांगा हुआ लड़का हो तो मांगो नहीं, फर्स्ट एक्चुअली पहले मेरी बहन हुई थी तो उसकी डेथ हो गई थी, 6 महीने की थी तब उसकी डेथ हो गई थी एक्चुअली। तो बहुत सालों तक कोई बच्चा नहीं हो रहा था मेरे पेरेंट्स को, तो उनको तो सिर्फ चाहिए था बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की, इनडायरेक्टली मैं हो गया, तो बहुत मांगा हुआ हूँ मैं प्यार से, तो इसलिए मैं बहुत प्रोटेक्टिव इंसान हूँ और मैं सबको प्रोटेक्ट करता हूँ, और भगवान मेरी करते और भगवान मेरी पूरी फैमिली को करते। तो ये भाषण मैं देता रहता हूँ गाइस। तो अब ये घर पर आए तो मेरे साथ थोड़ी अजीब हालत हुई, मैं मेरे आँख से आंसू आ रहे अपने आप, ये क्या मेरे क्या था ये सब क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ। एंड फाइनली आज रास्ते में तुम्हें बताया कि कैंसर भैया वाले चाउमीन है, ऑफकोर्स एक्चुअली हमने आज उनसे खाया, मेरे पास खाया उनसे मतलब उनका चाउमीन खाया, गलत मत मतलब निकालना। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरे पास तो 0 रुपये थे, और सुबह नहीं मांगा क्योंकि पापा से बहस हुई थी, बहस नहीं थोड़ा सा नोकझोंक, और मेरे पापा बहुत प्यारे हैं गाइस। अभी थोड़े देर पहले चिप्स लेकर आए थे 3 पैकेट, एक पैकेट मेरे भाई के लिए जो स्कूल गया हुआ था, एक छोटा के लिए मेरे लिए, मैं अपना आधा खा गया आधा रख दिया, और मेरा छोटा वाला पूरा ठस कर गया। और जब मैं ऐसा आटा सानने, मम्मी ने बोला कि चार आटा सान दे, मैं आटा सानने गया तो मैंने देखा कि बैग से निकाल के दो खा गया मेरा, मैंने बोला तो मेरा चिप्स खाएगा साले मेरा, मतलब उसको गाली नहीं दे सकता वरना वो पापा को बोल देता। ओके तो ये धमकी देता रहता है। तो आज का मॉरल स्टोरी ये है गाइस कि लाइफ में कितनी भी माँ बहन एक हो गई हो, तुम्हारी कितनी भी कटी हो, कितनी भी लगी हो, लाइफ में ना खुश रहो, ज़िंदगी तुम्हारी अपनी मर्जी से। अगर 2 मिनट के लिए भी कुछ भी हो जाता है ना, तुम्हें तो भाई उस सिचुएशन में डूब जाओ और उसके बाद बाहर आओ, यू कैन डू इट गाइस। तुम हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तो तुम हमेशा बेस्ट रहोगे और तुम हो तो ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो मतलब तुम यार यू आर बेस्ट, यू आर ब्यूटीफुल, लोग क्या कहेंगे भड़वाए मत लिया करो किसी के दिल की बात पे, अपने दिल की बात अपने पे लिया करो, यू आर द बेस्ट।
याद रखना, लाइफ में कभी भी किसी लड़के या लड़की के लिए चेंज मत होना। एज ए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी चेंज होना है तो अपने करियर, अपनी लाइफ के लिए या अपने खुद के लिए सेटिस्फाई के लिए चेंज होना, किसी और के लिए कभी चेंज नहीं होना। मैं लागू करता हूँ, मैं अपने जॉब, अपने करियर, अपने ड्रीम के लिए चेंज हो सकता हूँ, बट किसी इंसान के लिए कभी चेंज नहीं होगा। मैं जैसा हूँ वैसे ही होगा। तो गाइज, ये मॉरल स्टोरी था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। एंड अच्छी बात है, जो सुबह शुरू में तुम्हें हॉस्पिटल दिखाया था, ना ही हो ना तो अच्छी बात है। टेक केयर।